है। तो यहाँ पैकेज नेम डॉट क्लास नेम हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब हम लोग को जो भी क्लास हम लोग को इंपोर्ट करना है उसके बारे में पता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर मेथड को हम लोग यूज करना चाहते हैं अपने क्लास में, तो अगर हम लोग कोई दूसरे पैकेज से वो लेना चाहते हैं, अगर उस पैकेज के उस क्लास का नाम पता है जिसके अंदर वो मेथड बना हुआ है, ठीक है, तो उस केस पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उस क्लास को इंपोर्ट कर देंगे। अगर उसका क्लास का नेम हमको नहीं पता है तो हम लोग एस्ट्रिक डालेंगे वहाँ पे, मतलब उस पैकेज के सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अगर हमें कोई सिंगल क्लास को ही हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, सिंगल क्लास का ही हमें काम है, ठीक है, तो हम लोग सिंगल क्लास को करेंगे, ठीक है। इफ़ यू इम्पोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम देन ओनली डिक्लेयर क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पैकेज डॉट क्लास नेम, यहाँ क्लास नेम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी डिक्लेयर क्लास होगा उस पैकेज के अंदर वो ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, वैसे कल मैंने इसको बताया था, फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया ए, और इसको हम लोग ने पैकेज पैक के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डिक्लेयर किया इसको, पैकेज पैक। उसके अंदर हम लोग ने एक वॉइड मैसेज नाम का एक वेरिएबल, सॉरी मेथड बनाया, जिसमें हमने हेलो प्रिंट किया है, ठीक है। ये ए डॉट जावा नाम की फाइल है इतनी। अब सेकंड फाइल हम लोग बनाए बी डॉट जावा, जिसके अंदर हम लोग क्या किए, एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं माई पैक। माई पैक के अंदर हम लोग इस क्लास को रखेंगे। देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इम्पोर्ट पैक डॉट ए। पैक क्या है, पैकेज है, ये वाला पैकेज जो ए डॉट जावा ने बनाया, ठीक है। पैक के अंदर एक क्लास अवेलेबल है ए, उसी को ही हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं, पैक डॉट ए। ए क्या है, हमारा क्लास है, ठीक है। पैक क्या है, पैकेज है। तो पैकेज डॉट क्लास नेम, अगर हमें पता है इस क्लास के बारे में कि यही नाम है, तो हम लोग डायरेक्ट नेम से हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग यहाँ एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाया क्लास बी, फिर यहाँ पे हम लोग ने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो हम लोग इम्पोर्ट किए हैं पैक डॉट ए से। पैक डॉट ए से हम लोग क्या किए, इम्पोर्ट किए हैं। तो ए का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए ओबीजे डॉट मैसेज, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ने इसको कॉल कर दिया, और ये किसका ये हम लोग का दूसरा पैकेज है, ये पैक पैकेज अलग है, ये माई पैक पैकेज अलग है। तो हम लोग इम्पोर्ट कीवर्ड से क्या कर सकते हैं, एक पैकेज के किसी भी क्लास को हम लोग दूसरे पैकेज में, किसी भी क्लास में हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड देखे, जिसमें हम लोग पैकेज डॉट क्लास नेम को हम लोग यहाँ इम्पोर्ट किए, ओके। थर्ड मेथड है यहाँ पे यूजिंग फुल्ली क्वालिफाइड नेम। अब यहाँ पे जो फुल्ली क्वालिफाइड हम लोग नेम लिखेंगे, वो पैकेज वाले कीवर्ड के साथ में नहीं लिखेंगे, ना ही हम लोग इम्पोर्ट के कीवर्ड के साथ में लिखेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे, वहाँ क्वालिफाइड नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ़ यू यूज फुल्ली क्वालिफाइड नेम देन ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल। नाउ देर इज नो नीड टू इम्पोर्ट, बट यू नीड टू यूज फुल्ली क्वालिफाइड नेम एवरी टाइम वेन यू आर एक्सेसिंग द क्लास और इंटरफेस, ठीक है। फुली क्वालिफाइड नेम में हम लोग को इम्पोर्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जहां पे भी हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं वहां पे हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हम लोग वहां पे उसका पूरा का पूरा क्वालिफाइड नेम देंगे, ठीक है। तभी हम लोग उस क्लास को या फिर इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज जनरली यूज व्हेन टू पैकेजेस हैव द सेम क्लास नेम, एग्जाम्पल जावा डॉट यूटिल एंड जावा डॉट एसक्यूएल, ठीक है। पैकेजेस कंटेन डेट क्लास, ठीक है।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जावा डॉट यूटिल पैकेज है और जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज है, दोनों के अंदर एक कॉमन क्लास अवेलेबल है डेट, दोनों में डेट नाम का सेम क्लास अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो उस केस पे यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ए डॉट जावा नाम से हम लोग ने एक क्लास बनाया, ठीक है, पब्लिक क्लास ए, और इसको हम लोग पैकेज पैक के अंदर डाल दिया। पब्लिक वॉइड मैसेज यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट किया हेलो, ठीक है, ये ए डॉट जावा फाइल के अंदर में हम लोग ने कोड लिखा है यार। ये सर हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। गुलशन आवाज नहीं, मैसेज आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही थी सर। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड फाइल बनाया है बी डॉट जावा, बी डॉट जावा में हमने क्लास बी बनाया है और उसको हम लोग पैकेज में एक डाला है जिसका नाम है माई पैक। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन मेथड लिया है और यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया है ए का, तो ए जो क्लास है वो किसके अंदर अवेलेबल है, पैकेज पैक के अंदर अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम देंगे लाइक पैक डॉट ए, पैक पैकेज है, ए क्या है, क्लास है, और हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ओबीजे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखे हैं पैक डॉट ए ओबीजे इक्वल टू न्यू पैक डॉट ए, इस प्रकार से हमने क्या किया है, यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करके हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे ओबीजे डॉट मैसेज से हम लोग उसको कॉल कर लिए और हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। तो जब भी हम लोग फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करते हैं तो हम लोग को कोई भी पैकेज सब पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब भी हम लोग फुल्ली क्वालिफाइड नेम यहाँ यूज करेंगे तो हम लोग को कोई भी इंपोर्ट कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है कि हम लोग दूसरे पैकेजेस के क्लासेस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इफ यू इंपोर्ट अ पैकेज सब पैकेजेस विल नॉट बी इंपोर्टेड। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी एक पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस पैकेज की क्लासेस और इंटरफेसेस इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन सब पैकेजेस को इंपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ क्लासेस और इंटरफेसेस को ही इंपोर्ट करता है करंट पैकेज के। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी सब पैकेज बना हुआ है तो उसके क्लासेस और इंटरफेसेस एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को सब पैकेज एक्सेस करना है, ठीक है, तो वहां पे डॉट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, If you import a package, all the classes and interface of that package will be imported, excluding the classes and interfaces of the sub packages. Hence, you need to import the sub package as well. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक बार root package को हम लोग import करेंगे, एक बार sub package को import करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को import keyword दो बार वहां पे लिखना होगा। ठीक है, clear?